हेलो स्टूडेंट्स, पिछले अध्याय में हम अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार को अच्छी तरह समझा चुके हैं, जो कि शब्द अलंकार के अंतर्गत आते थे। अब हम उपमा अलंकार को समझाएंगे, जो ये अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। अर्थ अलंकार को मैंने बताया था, जहाँ वाक्य में अर्थ शोभा उत्पन्न करें वहाँ अर्थ अलंकार होता है। तो उपमा, उपमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अनुसार तुलना, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना या समानता। तुलना या समानता इसका शाब्दिक अर्थ होता है। आप सभी जानते हैं कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना की जाती है, अर्थात एक कोई वस्तु हो और उसकी किसी उससे अधिक सुंदर वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, तो वह उपमा अलंकार के अंतर्गत आती है, वह उसकी उपमा होती है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर के समझा देता हूँ। हरी पद कोमल कमल से, हरी पद कोमल कमल से, तो ये क्या है, इसका उदाहरण हरी पद कोमल कमल से। देखो इसमें हरी पद ये इसका उपमेय है, चरण, और कमल इसका उपमान, मतलब भगवान के चरण कमल के समान कोमल बताए गए। इस उदाहरण के द्वारा भगवान के चरणों की उपमा किससे दी है, कमल से। तो कमल उपमान हुआ और हरिपद हुआ क्या, उपमेय। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, मुख कमल के समान सुंदर है, मुख कमल के समान सुंदर है। ये दूसरा उदाहरण है, इसमें मुख है जो उपमेय है, मुख उपमेय है और कमल क्या है, उपमान, कमल उपमान है। तो मुख, मुख की तुलना उस कमल से की जाती है कि मुख कमल के समान सुंदर है। तो मुख उपमेय हुआ और किससे तुलना कर रहे हैं, इस मुख की कमल से कर रहे हैं, तो ये उपमान। देखो अब यहां तक आप समझ गए कि उपमा क्या होता है। अब हम उपमा के अंकों के विषय में चर्चा करेंगे। देखो उपमा के अंक, उपमा के अंक, उपमा के चार अंक होते हैं। उपमा के चार होते हैं, नंबर एक उपमेय, नंबर दो उपमा, नंबर तीन वाचक शब्द और नंबर चार साधारणता। ये उपमा के कितने अंग हुए, चार। पहला हो गया
दूसरा हो गया उपमान, तीसरा हो गया वाचक शब्द और चौथा हो गया साधारण धर्म। तो उपमेय, उपमेय है जिस वस्तु से जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है के समान, ये क्या है, वाचक शब्द है जो समानता तुलना कर जाते हैं, सम सा जैसा सरस। वाचक शब्द समानता या तुलना की जाती है जिसमें सम सा जैसा सरस के समान आदि ये शब्द आते हैं तो वो वाचक शब्द कहलाता है। और साधारण धर्म जब दोनों वस्तुओं में एक समान गुण या क्रिया होती है, दोनों वस्तुओं में एक समान एक गुण या क्रिया होती है वो साधारण धर्म कहलाता है। जैसे सुंदर, कोमल आदि, ये क्या है, ये होंगे साधारण धर्म, सुंदर कोमल। अब मैं इनके उदाहरण देकर के समझाऊंगा जैसे कमल विष्णु, तो दोनों के अंदर गुण क्रिया
दिखाई जा रही है, तो ये क्या होगा? साधारण ये साधारण धर्म। तो मुख कमल के समान सुंदर है, मुख की तुलना कमल से की जा रही है, तो इसलिए मुख में उपमेय है, कमल उपमान है, समान वाचक शब्द है और सुंदर साधारण धर्म है। ऐसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मुख कमल सा खिल गया, मुख कमल सा खिल गया। देखो मुख क्या हुआ इसमें उपमेय, और कमल क्या हुआ उपमान, सा क्या हुआ वाचक शब्द। और खिलना क्या हो गया साधारण। तो उपमेय मुख हो गया, कमल उपमान हो गया, सा वाचक शब्द खिल गया, साधारण धर्म हो गया। तो देखो बच्चों, अब हमने उपमा को, उपमा का अर्थ समझ लिया, उपमा की परिभाषा और उपमा के चार अंगों को भी समझ चुके हैं। अब हम उपमा के भेद बताएंगे कि उपमा के भेद कौन कौन से हैं। उपमा के भेद, उपमा के तीन भेद होते हैं। नंबर एक पूर्ण उपमा, नंबर एक पूर्ण उपमा, नंबर दो लुप्त उपमा, लुप्त उपमा, और नंबर तीन मार्ग उपमा। ये तीन भेद होंगे, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। कौन कौन से हो गए तीन भेद? नंबर एक पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। अब पूर्णोपमा क्या है? जब वाक्य में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन सभी का उल्लेख होता है वह पूर्णोपमा कहलाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मुख कमल के समान सुंदर है, मुख कमल के समान सुंदर है। तो देखो मुख तो इसमें उपमेय हो गया और कमल उपमान हो गया, समान वाचक शब्द हो गया, समान वाचक शब्द और सुंदर हो गया साधारण। देखो मुख उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया, समान वाचक शब्द हो गया और सुंदर साधारण धर्म हो गया। तो इसमें उपमा के चारों अंगों का उल्लेख किया गया है। अब ऐसे ही हम उपमा के क्योंकि उपमा का एक दूसरा उदाहरण देते हैं, सुन सुर शरीर, सुनी सुर शरीर,
सम पावनवाणी ये इसका दूसरा उदाहरण है। इसमें सूर्य से गंगा को कहा गया है जो कि ये उपमान है। उपमान और वाणी उपमेय है। सम ये वाचक शब्द है और पावन है जो इसका एक साधारण है। क्या साधारण है? साधारण है। तो सुन वाचक शब्द और पावन मतलब पवित्र, दोनों पवित्र बताया गया है इसलिए ये दोनों में समान गुण है इसलिए ये साधारण धर्म कह रहा है। अब दूसरा ले लेते हैं लुप्त उपमा। दूसरा उदाहरण है सॉरी दूसरा भी है लुप्त उपमा। अभी हमने पूर्ण उपमा सुना, अब हम लुप्त उपमा को समझाएंगे। लुप्त उपमा उसे कहते हैं जब उपमा में या वाक्य में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द ये साधारण धर्म इन चारों में से एक दो तीन अंग एक दो तीन दो या तीन अंग लुप्त हो जाते हैं। इन चारों में से कोई एक दो तीन अंग लुप्त हो जाते हैं वह लुप्त उपमा कहलाता है। चाहे उपमेय लुप्त हो जाओ, उपमान हो जाओ, वाचक शब्द हो जाओ, साधारण धर्म हो जाओ, इनमें से एक अंग लुप्त हो जाए चाहे दो अंग हो जाए या तीन अंग हो जाए लुप्त, तो उसे क्या कहेंगे लुप्त उपमा। कैसे? जैसे कि मुख कमल जैसा है। उदाहरण मुख कमल जैसा है तो इसमें मुख उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया और जैसा वाचक शब्द हो गया। अब इसमें साधारण धर्म नहीं है। क्या नहीं है? साधारण धर्म जो इन दोनों के अंदर जो गुण होना चाहिए कौन सा? जैसे सुंदरता, वो गुण इस वाक्य के अंतर्गत नहीं है इसलिए ये लुप्त उपमा होगा। तो मुख कमल जैसा तीन आगे उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म नहीं होने के कारण ये लुप्त उपमा कहलाएगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। मुख है सुंदर चंद्र सुख, सुंदर चंद्र सुख कोमल कमल समान, कोमल कमल समान। ये पंक्ति जैसे कि मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान, तो इसमें मुख क्या है? मुख उपमेय, मुख उपमेय हो गया और चंद्र क्या हो गया? उपमान हो गया और कोमल भी उपमान हो गया, सॉरी कमल 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 उपमान हो गया। मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान, तो इसमें इस
ये उपमा अलंकार के तीन भेद थे। तो बच्चों आज हम उपमा अलंकार को आपको समझा चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो ऐसा करना इसको बार बार।